नरसिंहपुर जिले की गोटे गांव थाना पुलिस को करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ने में सफलता मिली है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक सहित कुल 24 राज्यों में स्थानीय लोगों के साथ ऑनलाइन बिक्री खरीद का लाभ कमाने के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड करते थे और उन पैसों को विदेशी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फ्रॉड किया करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 8 मोबाइल सिम, 10 पासबुक, 16 एटीएम जब्त किए गए हैं, जिनके द्वारा 70 से अधिक खातों में फ्रॉड का पैसा ट्रांजेक्शन किया गया है। जानकारी के अनुसार ठगी के मामले में प्रदेश में पहली बार क्रिप्टो करेंसी को सीज करने की कार्रवाई की गई है। खैर, पकड़े गए आरोपियों से पुलिस को और भी बड़े खुलासे की उम्मीद है। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का जो है हमने इसको जो है पकड़ा है। पूरा का पूरा केस कुछ इस तरीके से है कि हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये फेक म्यूल अकाउंट, सिम और पासबुक जो है पूरा का पूरा ये क्रिएट करते थे, लोगों से जो है खरीदते थे, लोकल लोगों से। और उसके बाद इन अकाउंट्स में, सबसे पहले इनके पास इनके बाइनेंस अकाउंट में USDT क्रिप्टो करेंसी आती थी। वो फ्रॉड की क्रिप्टो करेंसी, वो फ्रॉड या फिर जो भी टास्क फ्रॉड के थ्रू जो भी दी जाती है उसके माध्यम से ये आती थी इनके बाइनेंस अकाउंट में। बाइनेंस अकाउंट से ये फिर आगे जो है आरोपियों को जो है भेज देते थे, वहाँ से कैश इनके फेक जो म्यूल अकाउंट थे उसमें आता था। और फिर ये इसका निकालने के बाद, ATM से निकालने के बाद या POS से निकालने के बाद हैंड टू हैंड जाकर के आरोपियों को, आगे के आरोपियों को चेन में जो है मूव करते थे। तो ये पहला केस है जिले का क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को लेकर के, जिसमें क्रिप्टो करेंसी जो है पूरा का पूरा यूज हुआ है। और ये एक तरह से बीच के मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी और फ्रॉड की मनी को मूवमेंट में हेल्प करते थे। अभी तक हमने 8 सिम, 10 पासबुक, 16 ATM जो है जब्त किए हैं। और ये जानकारी लगी कि 70 बैंक खातों का जो है लेन देन है, 24 जो प्रदेश हैं देश में उनके लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी की राशि लगभग 3,61,00,000 की फ्रॉड की राशि जो है उसका ट्रांजेक्शन हुआ है। और भी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार जो है हम प्रयास करेंगे कि और भी आरोपी जो है पूरे नरसिंहपुर जिले में।